सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री। आज हम आपका सभी के सामने एक नए लेक्चर में उपस्थित हैं, जो कि है बीएससी थर्ड सेमेस्टर की, जिसमें हमारी बुक चल रही है फ्लावरिंग प्लांट आइडेंटिफिकेशन एंड एस्थेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज एंड नॉमेनक्लेचर। पिछली वीडियो में हमने टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज, हिस्ट्री ऑफ बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में बात की थी। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में जानेंगे और उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि वहाँ कौन कौन से प्लांट्स प्रेजेंट हैं और वह कब स्थापित किए गए, किन के द्वारा स्थापित किए गए। यदि आप सभी ने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर हमारी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रॉयल बॉटनिकल गार्डन कोलकाता। रॉयल बॉटनिकल गार्डन को नेशनल बॉटनिकल गार्डन, इंडियन बॉटनिकल गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो रॉबर्ट काइंड द्वारा 1787 में स्थापित किया गया। 1787 में स्थापित किया गया। इस गार्डन में कुल 12,000 प्लांट स्पेसिमेंस एंड 1400 हर्बेरियम प्रेजेंट हैं। यहाँ पर कुल 12,000 प्लांट स्पेसिमेंस एंड 1400 हर्बेरियम का कलेक्शन है और यह बॉटनिकल गार्डन 270 एकड़ यानी कि 109 हेक्टेयर में फैला हुआ है, यानी कि इतना एरिया ये कवर करता है। आइए जानते हैं इसके इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। यह गार्डन नाउ अंडर कंट्रोल ऑफ बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह गार्डन अब बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, यानी कि बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसे कंट्रोल करता है। यहाँ की सारी मैनेजमेंट बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। इट इज़ नाउ नोटेड फॉर पोटैटो कल्टीवेशन। यह अब पोटैटो कल्टीवेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पर पोटैटो कल्टीवेशन किया जाता है, उसके बारे में रिसर्च किया जाता है। ग्रेट बानियान ट्री, यहाँ की ग्रेट बानियान ट्री जो लार्जेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड की सबसे बड़ा वृक्ष है, ग्रेट बानियान ट्री यहाँ का मेन अट्रैक्शन है। फ्यू मेन अट्रैक्शंस आर फार्म हाउस, ऑर्किड हाउस एंड अ सेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। यहाँ के कुछ अन्य भी अट्रैक्शंस हैं, जैसे कि फार्म हाउस, ऑर्किड हाउस एंड अ सेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट। फार्म हाउस यानी कि ग्रीन हाउस, जिसमें फार्म का कलेक्शन किया गया है, उसे फार्म हाउस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, रॉयल बॉटनिकल गार्डन के बाद हम नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ की ओर बढ़ते हैं। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ नवाब सादत अली खान द्वारा स्थापित किया गया था, जिसे नवाब वाजिद अली शाह द्वारा एक नया नाम दिया गया। उन्होंने इस गार्डन को सिकंदर बाग नाम दिया गया, अपनी बेगम के नाम पर सिकंदर बाग नाम दिया। उनकी बेगम का नाम सिकंदर महल था। तो इसके बारे में कुछ हम टॉपिक्स नोट करेंगे। इट्स नाउ नेम इज नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका नाम अब नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कर दिया गया है। इट इज एस्टेब्लिश्ड इन न्यू फॉर्म इन 1946। यह नए फॉर्म में 1946 में एस्टेब्लिश किया गया। द नेम वॉज गिवन बाई नवाब वाजिद अली शाह। इसका नाम नवाब वाजिद अली शाह द्वारा सिकंदर बाग दिया गया था। और यह ओरिजिनली रूप से, यानी कि इसका ओरिजिनली रूप से नवाब सादत अली खान ने स्थापना किया था। नवाब सादत अली खान ने इसकी स्थापना की थी। इसका मेन अट्रैक्शन यहाँ का रोजेरियम है। इस गार्डन में एक रोजेरियम है, जो यहाँ का मेन अट्रैक्शन है, एंड कैक्टस हाउस। रोजेरियम एंड कैक्टस हाउस इस गार्डन का मेन अट्रैक्शन है नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ का। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में हमने रॉयल बॉटनिकल गार्डन एंड नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ के बारे में बात की। हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स।